हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए हम आज वीडियो बहुत लेट बना रहे हैं ड्यू टू सम वर्क फिर भी हम फटाफट कर लेंगे हम um, अगर आपको याद होगा रिव्यू हम कुछ नहीं करेंगे बट मैंने आपको ऑलरेडी थर्टी सी का दिया था ये थोड़ा सा नीचे आज गैप डाउन हुआ बट अल्टीमेटली एक मिनट के अंदर इसने रिकवर कर दी आई डोंट थिंक किसी को लॉस हुआ है बट आज आज का मैंने टारगेट अगर आप देखोगे मैंने क्लियरली बोला था पर्सनली आई वांट टू सी बैंक निफ्टी एट 29,800 के आसपास और बैंक निफ्टी यहाँ तक पहुंचा निफ्टी आई वांटेड टू सी एट 13,000 बट निफ्टी हुआ नहीं बिकॉज ऑफ रिलायंस रिलायंस एंड दोनों मॉर्निंग में ही थोड़े से घबरा गए थे <coughs> तो हम पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते क्योंकि कल मैं ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में ही करूंगा निफ्टी में मैं कर नहीं रहा हूँ आजकल निफ्टी में बहुत काम करता हूँ वैसे तो मैं तो बैंक निफ्टी की अगर हम व्यू देखें कल की जो हमारी एक व्यू है देखो एक लेवल कल हम मेरी जो व्यू है आइडियली बैंक निफ्टी अगर टेन थर्टी इलेवन ओ क्लॉक ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है लेट्स लेट्स लुक एट द सिनेरियोस क्या सीनारी पहले तो आप एक ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके कर रखो ऊपर का ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जरू नहीं फाइव मिनट्स वाला ड्रॉ करो ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करो कल ऐसा नहीं कि मार्केट गिर नहीं सकता ठीक है ऐसे तो इंडिया विक्स अगर देखोगे काफी गिरा हुआ है तो बाइंग का ऑप्शन ज्यादा बनता है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये मॉर्निंग में ओपन गैप अप होके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे ओके अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा वी है वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेल फ्रॉम हियर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटीन के आसपास ओके ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन का लेवल मेरा सेल का है and then there is is a sell level from here also 29,996 which is our 30,000 level और ये monthly का कोई uh, high low का level भी है very very important very very important level okay तो ये जो, जो जोन मेरी बन जाती है कल एक सेलिंग जोन मेरी बन जाती है आइडियली बैंक निफ्टी सेल यहाँ से भी दे सकता है यहाँ से भी दे सकता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के सेल करना है एक आइडियल केस क्या होगा कि बैंक निफ्टी या तो फ्लैट ओपन करे या पॉजिटिव ओपन करे और पांच मिनट के अंदर ये ब्लैक लेवल को काट के ऊपर चला जाए और थर्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करे अराउंड वन आवर क्योंकि कल थर्सडे है यहां पे अगर इसने एक घंटा कंसोलिडेट कर दिया ना देन हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल थर्टी थाउजेंड से बन जाती है ओके okay? उट इन वन आवर हाफ एन आवर भी यहाँ पे कंसोलिडेट अगर करता है तो एक हमारी हाई प्रोबेबिलिटी सेल थर्टी थाउजेंड से बनेगी क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है एक बार छोटा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए ये बेसिकली बैंक निफ्टी अगर अभी कहावन फिफ्टी पे है तो बैंक निफ्टी अगर टू हंड्रेड पॉइंट गैपअप करता है देन मैंने किसी को ग्रुप में बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की जो फिर रैली होगी ना वो रैली बहुत फास्ट होगी इस तरह की रैली होगी ये जो रैली बनी थी ठीक है अगर यहाँ इसके ऊपर सीधा गैप अप कर देता है थर्टी थाउजेंड के ऊपर अगर गैप अप करना चालू करता है ये हमारी ब्लैक लेवल है थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी फाइव इज ऑल्सोमेट अगर आपको याद होगा तो मेरा जो मंथली टारगेट था वो मंथली टारगेट यहाँ तक का था तो एक पॉसिबिलिटी ये कल है कि अगर बैंक निफ्टी गैप ऑफ ऊपर इसके ऊपर ओपन करता है तो यहाँ पे चले और फिर हम यहाँ से एक सेल लेंगे और एक काफी बड़ा सेल आएगा कल ये अगर थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव सेल आ रहा है तो बहुत बड़ा सेल आएगा आपका ये कल ओके okay? तो ये अगर हुआ दैट मीनस थ्री हंड्रेड पॉइंट गैप ऑफ हुआ अदरवाइज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ तो हमारी सेल थर्टी थाउजेंड से है जरूरी नहीं है कि थर्टी थाउजेंड से ही सेल आए हमारी सेल ये ब्लैक लेवल से भी हो सकती है सेवेंटी तो पॉइंट्स की जो, जो जोन है दिस एंटायर जोन विल बिकम ए सेलिंग जोन फॉर मी क्योंकि ब्लैक लेवल पे ये थोड़ा सा चीटिंग भी करने की पॉसिबिलिटीज है ठीक है वैसे तो टच करके गिरना चाहिए तो आइडियली आप अगर यहां पे टच करके सेल ले रहे हो तो कहां तक लोगे जैसे ये डे की हाई है तो ये 112 पॉइंट्स आपकी कॉन्फिडेंट सेल बन जाती है रेस्ट इज बोनस आइडियली ओके क्योंकि पॉसिबल ये है कि बेसिकली मार्केट अगर ऐसे मॉर्निंग में ऊपर जाता है और यहाँ गिरना चालू करता है ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले जाए दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी सो पहले ये हंड्रेड पॉइंट कैप्चर करो इसके नीचे दैट मीन एक रेड कैंडल अगर ये लेवल को और ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देता है और सस्टेन कर जाता है ट्रेन लाइन के नीचे देन वी वी विल विल कंटिन्यू कंटिन्यू सेल सेल टिल हियर 29,500 29,500 और मैंने ये पहले बोला था 29, so, कल कहां से भी है सपोर्ट ओके अनलेस भावना में के मार्केट गिर जाता है गिरने को तो फिर वो बहुत कुछ गिर सकता है बट हम ट्रेंड लाइन

एक बाई ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ट्वेंटी अगर आप ले रहो, थोड़ा के साथ लेना है, the better buy is actually here. अगर अगर गैप डाउन होता है okay, ओके गैप और पॉजिटिव में अगर गिर रहा है तो मैं यहाँ से बाई दे रहा हूँ बट अगर ये गैप डाउन होता है तो आप यहाँ से बाय मत लो ये बहुत छोटा लेवल है ये कट कर देगा इसको कट करके यहाँ तक आना चाहिए और फिर बाइंग अगर देनी होगी बैंक को तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड सेवेंटीन से देगा ये, ओके? और लेवल से नहीं है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा फिर ये ट्रेन लाइन तक रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी गैप डाउन की बात कर रहा हूँ ये ट्रेन लाइन को रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज है कहा टेस्ट कर सकता है देखो यहाँ तक आ रहा है पूरा और यहाँ पहुंचा फिर ये दोबारा सेल देगा ये लेवल इज क्रुशियल ओके सो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड की लेवल क्रूसियल है एक ही सिनेरियो में हम यहाँ तक पहुंचे के अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप कर देता है तो आई डोंट थिंक के बैंक निफ्टी ने आज जैसा ऐसा मूव दिया है कल ऐसा मूव देगा क्योंकि थर्सडे दे है तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए डोजी कैंडल मतलब जितना ऊपर जाएगा हमारी सेल की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा हाई बन जाएगी और या फिर एक हैमर कैंडल ओके दैट मीन्स ऊपर से नीचे और क्लोजिंग यहाँ पे पिवट के आसपास कहीं पे कर दे दे। okay. uh, देख नहीं रहा कल बुल कैंडल हम तभी देखेंगे जब थर्टी थाउजेंड के ऊपर करना चालू करेगा अदरवाइज नॉट निफ्टी का हम देख लेते हैं निफ्टी देखो निफ्टी कल जो है ये दिख तो रहा है बाईन डिप्स में देखो सपोर्ट इसका कहाँ पे एट फिफ्टी फाइव पे है सपोर्ट ओके okay. और आपकी uh, जो अभी निफ्टी है वो 940 के आसपास है करेक्ट 940 के आसपास है around, 100 100 ये देगा क्या? को मुझे नहीं लगता कि 100 पॉइंट फॉल बेसिकली निफ्टी दे सकता है 100 फॉल की बेसिकली गैप डाउन में 100 पॉइंट की फॉल निफ्टी अगर देगा तो अपर साइड से देगा, देगा, देगा। तो निफ्टी अगर कल फ्लैट टू तो पॉजिटिव ओपन होता है तो हम लोग एक सेल 13000 से देखेंगे ओके okay, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है तो एक बार टच किया है वो के आसपास थी। ये तो R3 है थर्टीन थाउजेंड हंड्रेड टेन के आसपास मेरी एक लेवल थी जहां तक मैं निफ्टी को अल्टीमेटली देखना चाहता था ठीक है बट कल थर्सडे है तो थर्सडे में आई एम एक्सपेक्टिंग एन डोजी कैंडल एंड इज वाई वी आर गोइंग सेल एट थर्टीन ओके अदरवाइज बेसिकली वी विल सी दैट मीन्स अगर यहाँ पे ब्लू कैंडल बनता है तो हम सेल नहीं करेंगे अदरवाइज रेड कैंडल बनता है हम सेल करेंगे और यहां से अगर सेल हो रहा है लेवल मॉर्निंग में गैप अपिव ओपन होकर ऊपर जाना चालू करता है तो दैट इज आइडियल आइडियल सीनारियो मॉर्निंग में ये जाए ऊपर जाए लोगों को ट्रैप करे कि मैं ऊपर जा रहा हूं और बड़ा मूव दूंगा और यहां से ये गिरना चालू कर दे टाइमिंग याद रखना बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला था आफ्टर फर्स्ट वन वन एंड हाफ आवर आपको स्ट्रगल दिखनी चाहिए निफ्टी में थर्टीन थाउजेंड के आसपास और बैंक निफ्टी में ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी से लेके थर्टी थाउजेंड के लेवल जोन पे आपको स्ट्रगल दिखनी चाहिए तब आप सेल ले सकते हो उसके या डोजी कैंडल बोल रहे हैं है, लंबी डोजी क्यों बनेगा मैं बोला रहा हूँ निफ्टी निफ्टी में क्योंकि निफ्टी अगर यहाँ पे आया ना देर आर वेरी हाई चांसेस की ये पीवर से बाय दे दैट मीन्स थाउजेंड और ट्वेल्व की जो लेवल है यहाँ से एक बाइन देखिए ये दोबारा नाइन हंड्रेड के आसपास क्लोज करने की कोशिश करेगा ये क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ रिलायंस अदरवाइज मैं निफ्टी को यहाँ तक लेके आ जाता है या इसके नीचे बट आई डोंट थिंक निफ्टी ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड के नीचे कल जाना चाहिए अगर गैप अप हो गया या फ्लैट टू पॉजिटिव होके मॉर्निंग में ऊपर चला गया ठीक है ना अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है निफ्टी गैप डाउन हो जाता है तो ये जोन हमारी बाइंग की है हम बाई ऑन डिप्स करेंगे ऐसा नहीं कि, कि कल निफ्टी पूरा बह जाएगा Right, नीचे लाइक like जोन, जो, जोन है ये जोन से ये कहीं भी बाइंग दे सकता है कल कहीं पे भी बाइंग दे सकता है और कल उस सीनारिय में, बाइं, में हूं मैं जैसे बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला देखो बैंक निफ्टी में मैं आपको सपोर्ट तक भी लेके नहीं आया बैंक निफ्टी दिया गैप डाउन में भी सीनारियो कहा हो ठीक है तो गैपडाउन तो में भी ज्यादा बड़ा सेल नहीं देगा उसके बाद बाई में हम बेसिकली ट्रेड करेंगे स्टॉक्स हम एक बार देख लेते हैं सो देट वी नो के इट इज एक्चुअली सपोर्टिंग आवर व्यूज देखो एच डी एफ सी बैंक कल खाली हमें एच डी एफ सी बैंक को मॉनिटर करना है एच डी एफ सी बैंक मतलब सेकेंड हाफ की ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ एच डी एफ सी बैंक अगर फोर्टीन ट्वेंटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है इविनर ट्वेल्व थर्टी ठीक है तो बैंक निफ्टी को सेल मत करना मतलब ट्वेल्व थर्टी बाद की बाले की मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ये उस केस में आ जाएगा ट्वेल्व फोर्टी तक फोर्टीन फोर्टी तक आराम से आ जाएगा ठीक है और उस केस में बेसिकली दैट इज द सिनेरियो व्हेन बैंक निफ्टी कैन गो अपी थाउजेंड टू फोर्टी फाइव अदरवाइज नॉट एच डी एफ सी बैंक ही लेके जाएगा अगर उसको लेके जाना है बट मतलब की चांसेस कल ज्यादा है कल ऐसे जाएगा गिरेगा फिर ऐसे करेगा ओके दैट इज नॉट माई पॉसिबिलिटीज मॉर्निंग में ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है आठ टू से हम सेल ले लेंगे फोर्टीन थर्टी से आस यहाँ तक ले सकते बड़ा सेल भी ले सकते पीवेट तक भी ले सकते हैं ठीक है वो कल हम देखेंगे एच डी एफ सी बैंक को एच डी एफ सी बैंक को ही मॉनिटर करना है मोस्टली कोटक देखो कोटक जो है वो मॉर्निंग uh, में गिरने की पॉसिबिलिटीज कोटक की है ओके okay? बट कोटक की जो गिरने की पॉसिबिलिटीज है वो भी 1811 पे सपोर्ट ले लेना चाहिए दैट बड़ा फॉल में कोई भी स्टॉक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ओके दैट इज हूँ मैंने बाइंग दिया आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक बिग फॉल फॉल आ सकता है बट नॉट बिग फॉल आईसीआईसी बिग का भी सेम सिनारियो है अगर आप देखोगे एंड आईसीआईसी कैंग गो फॉर फाइव फाइव हंड्रेड टेन जाना चाहिए कल नहीं जाएगा बट एक बार जाना चाहिए एक्सिस बैंक अगर हम देखे इट के बाद अगर मॉर्निंग में आता है तो ऊपर जाता है तो ऊपर से हम सेल करेंगे वो आएगा यहाँ तक सिक्स थर्टी वन तक दोबारा आ जाएगा ठीक है इंडस इंड बैंक देखो 850 के नीचे ट्रेड करना चाहिए फर्स्ट टू आवर्स नहीं तो ये कल भी गेम खराब कर सकता है अपर साइड मतलब हमारी सेल वाली व्यू को खराब करने की पॉसिबिलिटीज है इसमें तो इंडस्ट बैंक अगर बाय चांस मॉर्निंग में नीचे भी आता है ना तो डिप्स है इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैंने आपको व्यू दिया है कि मॉर्निंग में अगर बैंक निफ्टी कैप डाउन हो भी जाता है ना यहाँ से बाइंग की हाई पॉसिबिलिटी है ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी के आसपास

यहाँ पे हो गया और गिरना चालू किया तो ये आएगा इधर फिर दोबारा वापस 2009 तक ओके जहां पे शुरू वहीं पे खत्म हो जाएगा आइडियली ओके डे एच चीज जैसे सी में बैंक में मैंने बोला ना रिलायंस में आपको देखना देखो ये मॉर्निंग में ऐसे भी आ सकता है ना पॉसिबल है बाईन डिप्स तो है बट जैसे गैप डाउन मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ और यहाँ पे है, सपोर्ट 1963 है यहाँ से सपोर्ट देके पहले एक घंटे में यहां तक अगर नहीं पहुंचता है रिलायंस और

यहीं से ही दे देगा ये पीवर से ही दे देगा बीसीसी ट्वेंटी थ्री फोर्टी फाइव से दे, दे देगा ठीक है व्यू ठीक है मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टी फॉल मैं एक्सपेक्ट फॉल नहीं कर रहा हूँ फॉल भी होगा तो ऑन डिप्स करेगा ऊपर से अगर सेल आता है तो यू कैन टेक ए हैवी फॉल टिल बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड बैंक निफ्टी को मॉनिटर करना निफ्टी के साथ रिलायंस के साथ सो दैट यू कैन ट्रेड इन निफ्टी ये ट्रेंड लाइन लगा के रखना बट ये लेवल को मत भूलना गैप डाउन में Okay, बाकी अपर के सिनेरियो मैंने दे दिए उसको देख के आपको ट्रेड करना है थैंक यू वेरी मच रात काफी हो चुकी है जय माता दी गुड नाइट कल लाइव में मिलते हैं